फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये बनते हैं सेवन। फिर हम सेवन को लगाएंगे टू से ऐड करेंगे, टू से ऐड करने में क्या बनेगा सेवन एट नाइन नाइन, तो इन तीनों पर ऐड करने से हमारा आंसर आएगा नाइन। ओके इस तरीके से करना है, पहले हमें स्टार्टिंग के दो नंबर को ऐड करना है, फिर हमें उस आंसर को इस नंबर से हमारे तीसरे बचे नंबर से ऐड करना है और हमारा टोटल आंसर इन तीनों नंबर का आ जाएगा। इसी नंबर को हम दूसरे तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग के दो नंबर लिए थे, हम ऐड के दो नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने थ्री और टू ले लिया एक साथ और फोर को हमने अलग से ले लिया, तो थ्री और टू हमारा क्या होता है थ्री और टू होता है फाइव, थ्री और टू होता है हमारा फाइव, यहाँ से हमने फोर ले लिया, फोर और फाइव टोटल कितना होता है नाइन, तो हमारा ये टोटल तीनों का आंसर क्या आ गया नाइन। ओके पहले हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे और उसके आंसर को हमें लास्ट थ्री नंबर से ऐड करते हैं थर्ड नंबर से, और जो हमारा टोटल आंसर आएगा वही हमारा इन तीनों का सम होगा, तीनों का आंसर होगा। ओके एकदम ईजी है, इससे रिलेटेड हम अपनी एक्सरसाइज क्या करेंगे थ्री जी करेंगे, थ्री जी हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि हमें नंबर दे रहे हैं टू प्लस थ्री प्लस वन, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग टू नंबर को पहले हम ऐड करेंगे, देन उसका जो आंसर आएगा उसे लास्ट वन नंबर से ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ दिया गया है टू थ्री को हमें ऐड करके एक साथ दिखाना है और वन को हमें बाद में अलग से ऐड करना है, तो पहले हम टू और थ्री को ऐड करेंगे, टू और थ्री का होता है फाइव, हमने ऐड किया फाइव, उसके बाद हमारे पास क्या नंबर दिया गया है वन, वन को हमें सीधा इसलिए ऐड करना है तो हम लिखते हैं इसे नीचे वन, फाइव और वन क्या होता है सिक्स होता है, तो यहाँ पर मतलब इन तीनों का जो ऐड करने का आंसर आएगा वो आएगा सिक्स, हमने पहले क्या किया है इन दोनों नंबर्स को ऐड किया है जो कि हमारा आंसर आ रहा है फाइव, लास्ट में जो थर्ड नंबर आ रहा बचा है उसको हमने इस आंसर से ऐड किया है तो हमारा आंसर आ गया सिक्स, और इन तीनों को ऐड करने का जो आंसर आएगा वो भी हमारा होगा सिक्स। ओके अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन इसका, जो कि है जीरो प्लस फोर प्लस थ्री, तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना है जीरो को अलग से करना है, तो जीरो को हमने सीधा लिख दिया है, अब हमें नीचे वाले नंबर दोनों को ऐड करना है जो कि है फोर प्लस थ्री, तो फोर और थ्री कितने होते हैं फोर और थ्री होते हैं सेवन, तो हमने सेवन को क्या किया फोर और थ्री को जो ऐड करके हम किससे प्लस करेंगे इस थर्ड नंबर से, जो हमने लास्ट के दो नंबर लिए हैं उसको फर्स्ट नंबर जो थर्ड नंबर बचेगा जो फर्स्ट नंबर पर हमारे गया है उससे हम ऐड करेंगे, तो थ्री और फोर का एडिशन हो गया सेवन, लास्ट जो हमारा थर्ड नंबर बचा वो है जीरो, हम सेवन को जीरो से ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा जीरो सॉरी सेवन, तो हमारा जो आंसर है वो सेवन है, इन तीनों को ऐड करने से हमारा आंसर आएगा सेवन। ठीक है तो इस तरीके से पहले हम दो नंबर को ऐड करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसको हम थर्ड हमारा जो नंबर बचा हुआ है उससे ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा इन तीनों डिजिट्स का आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है फोर प्लस जीरो प्लस टू, तो हम पहले फोर और जीरो को ऐड करेंगे, फोर और जीरो को ऐड करने से हमारा आंसर आएगा फोर, बाद में हमारा बचा थर्ड नंबर टू हम इसको ऐड करेंगे टू, और फोर और टू क्या होते हैं सिक्स, हमारा आंसर आ रहा है सिक्स। ये हमने कैसे किया है, पहले हमने दो नंबर को ऐड करके उसका आंसर निकाला है, उसके आंसर को हमने बचे हुए थर्ड नंबर से ऐड किया है, जो आंसर आया वो हमारे इन तीनों डिजिट्स का टोटल है, तीनों डिजिट का सम है। ओके इस तरीके से हम एडिंग थ्री डिजिट नंबर करते हैं, पहले हम दो नंबर को ऐड करते हैं, जो उसका आंसर आता है उसको हम लास्ट थर्ड नंबर से ऐड करते हैं, और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा सम होगा उन तीनों डिजिट का, जैसे कि हमने यहाँ पे किया अपने एक्सरसाइज के अंदर, पहले हमने दो नंबर को ऐड किया, जो हमारा आंसर आया है हमने उसको लास्ट थर्ड नंबर से ऐड किया है, जो उन दोनों का टोटल निकला है वही हमारा इन तीनों डिजिट्स का इन तीनों नंबर्स का टोटल होगा। ओके तो ये थे हमारे टॉपिक एडिंग थ्री नंबर और हमारी एक्सरसाइज एक्सरसाइज थ्री जी। ठीक है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।